कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी दो सीटों पे चुनाव लड़ रही है, अमरोहा और बुलंदशहर। लेकिन अमरोहा को छोड़कर आपकी पार्टी ने बहुत दिलचस्पी इस फेज में भी नहीं दिखाई, आपके स्टार कैंपेनर्स भी इस क्षेत्र में नहीं गए, आखिर कांग्रेस इतनी उपेक्षा क्यों कर रही है चुनाव की? देखिए विजय जी, लगातार अगर आप बात करें तो पांडे जी जो प्रभारी हैं वो लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लगातार हमारी कैंपेनिंग भी चल रही है और पूरी तरह से हम इन्वॉल्व हैं। आज भी हमारी एक मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर मीटिंग थी, सोशल मीडिया के जरिए हम जनता के घरों तक पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी भी हमारा ही प्रमोशन कर रही है, बात हम कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो की। वैसे मैं टोकना नहीं चाहता लेकिन मुझे लगता है अविनाश पांडे काफी जनाधार वाले नेता हैं इस इलाके में। जनाधार वाले नेता कौन है? भारतीय जनता पार्टी जनाधार का नेता बच्ची है, ये बताइए कौन नेता है जो अपने दम पे वोट मांग रहा है, आप बता के दिखाइए। हर नेता एक बात पे वोट मांग रहा है कि मोदी जी को वोट दे दो, मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं, वो तो मंगलसूत्र पे नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा है, अपने मैनिफेस्टो पर चर्चा नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ने याद आ रहा है सोते जागते, और अच्छी चीज है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है भी मैसिव रिस्पांस। वहां आप अमरोहा में आपके प्रत्याशी को मिलता हुआ दिखा नहीं जिस तरह आप माहौल बना रही थी। देखिए मुझे लगता है कि प्रथम चरण के जो रुझान आना स्टार्ट हुए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, जो डर है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह और किस मोहल्ले पे भारतीय जनता पार्टी पर कुछ चीजें पोस्ट करके आपको लगता है कि आप जनता तक संदेश पहुंचा पाएंगे? देखिए मुझे लगता है आज के माध्यम में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि आज हम अगर जनता के बीच में जाना चाहें और बताना चाहें कि हम 30 लाख सरकारी नौकरियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और सिर्फ प्रतिबद्ध नहीं है, पूरा हमने चार्ट जो है सामने रख दिया जनता के, और 6 महीने के अंदर ये भर्तियां भी कर देंगे और उसमें कोई भी आवेदन शुल्क भी नहीं ले रहे, तो ये बातें तो जनता तक पहुंचानी पड़ेंगी। तो मतलब पहुंचाने का ही कि पांडे जी रहेंगे और सोशल मीडिया पर कांग्रेस रहेगी। देखिए मुझे लगता है कि आज जनता जो लड़ाई लड़ रही है और जनता के जो मुद्दे हैं वो हमारे पास है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ